नमस्कार, मैं उप्रिया। आज है 6 जुलाई। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए अपडेट तक 404 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 11,864 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 5, अरवल में 3, औरंगाबाद में 4, बांका में 3, बेगूसराय में 52, भागलपुर में 22, भोजपुर में 3, बक्सर में 8, दरभंगा में 5, गया में 9, गोपालगंज में 5, जमुई में 10, जहानाबाद में 16, कटिहार में 2, खगड़िया में 6, किशनगंज में 6, लखीसराय में 6, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 7, मुंगेर में 12, मुजफ्फरपुर में 45, नालंदा में 22, नवादा में 21, पश्चिम चंपारण में 18, पटना में 38, पूर्वी चंपारण में 3, रोहतास में 1, सहरसा में 9, समस्तीपुर में 5, सारण में 5, शेखपुरा में 3, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 3, सिवान में 10, सुपौल में 3, वैशाली में 29 मामले सामने आए हैं। वहीं से ठीक होने वालों की बात करें तो इसमें भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कोविड-19 से अब तक बिहार में 8,765 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 90 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार का मधुबनी शहर 3 दिनों के लिए हुआ बंद। बिहार में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि मधुबनी जिला प्रशासन ने 1 महीने के अंदर के अनलॉक के बाद दोबारा से लॉकडाउन लागू कर दिया है। इस दौरान मधुबनी शहर में जरूरी सामानों के अलावा कोई भी सुविधा मुहैया नहीं करवाई जाएगी। खबरों की माने तो मधुबनी जिले में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 470 हो गई है। ज्यादातर लोग बिना लक्षण वाले पाए गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बंद का ऐलान फिर से जारी कर दिया गया है। आज है इस साल का पहला सोमवार, मगर शिवालय को किया गया है बंद। आज से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। वहीं आज से श्रद्धालुओं की भीड़ भी मंदिर की तरफ प्रस्थान करने की कोशिश जरूर करेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के माहौल में मंदिरों में जाकर जलाभिषेक करने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारियों ने सभी जिले में शिव मंदिरों के पट को बंद रखने का आदेश जारी किया है। साथ ही श्रावणी मेले का भी आयोजन नहीं किया जा रहा है। सभी शिव मंदिर 4 अगस्त तक बंद रखने का निर्देश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में वर्चुअल रैली को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही पहली राजनीतिक वर्चुअल रैली का संबोधन करने वाले हैं, जिसके तहत उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली की तारीख निर्धारित कर ली है। साथ ही इस रैली में दल के कार्यकर्ताओं के साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की अपील भी की गई है, जिसकी जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव RCP सिंह की तरफ से जारी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 अगस्त को बिहार में अपनी पहली राजनीतिक वर्चुअल रैली का संबोधन करने वाले हैं। सुशांत को लेकर CBI जांच की उठी बिहार में मांग। बिहार के रहने वाले बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद उनके प्रशंसक लगातार उनको इंसाफ दिलवाने की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद CBI जांच की मांग भी जोर शोर से पटना की सड़कों पर देखने को मिल रही है। पटना ही नहीं, जिले में जस्टिस फॉर सुशांत के बैनर तले इस मामले में CBI जांच की मांग को लेकर विरोध लगातार जारी है। बीते दिन पटना के गांधी मैदान में JP गोलंबर पर जस्टिस प्रशांत के सदस्यों ने कैंडल के साथ अपना विरोध प्रकट किया है। IGIMS के डायरेक्टर हुए कोरोना प्रभावित। IGIMS के डायरेक्टर के ड्राइवर के पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मिली जानकारी के अनुसार IGIMS के निदेशक के ड्राइवर में कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे परिवार की जांच करवाई गई थी, जिसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं अस्पताल में अधीक्षक ने भी अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने निदेशक के संपर्क में आने वाले 7 लोगों का सैंपल भी ले लिया है। 8 जुलाई से इंटरमीडिएट में दाखिले की प्रक्रिया होगी शुरू। बिहार बोर्ड की तरफ से इंटरमीडिएट में दाखिले की प्रक्रिया 8 जुलाई से शुरू करवा दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होने वाली थी, लेकिन बाद में संशोधित कर दी गई है। बिहार बोर्ड एप्लीकेशन प्रोसेस को ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स के जरिए आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत अब सभी छात्र OFSS के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट दाखिले के लिए 29 जून को ही कॉमन प्रोस्पेक्टस को जारी कर रहे हैं, जिसके तहत स्टूडेंट एप्लीकेशन और एडमिशन प्रोसेस को समझने के लिए प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। स्थापना दिवस पर तेजस्वी यादव ने लालू यादव को किया याद। तेजस्वी यादव ने स्थापना दिवस के मौके पर लालू यादव को याद करते हुए कहा कि लालू यादव अगर सत्ता में होते तो बिहार में एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं होता। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 20 रुपए कम करने की मांग भी की है, जिसके लिए तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ स्थापना दिवस पर साइकिल चलाकर अपना विरोध जाहिर करते दिखे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते दिन तेजस्वी यादव खुद अपने आवास से साइकिल चलाकर पार्टी कार्यालय पहुंचे थे।
नवादा के ऑटो मैकेनिक ने टिड्डियों को भगाने के लिए किया एक अनोखा आविष्कार। कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच टिड्डियों ने बिहार के किसानों की परेशानी बढ़ा रखी थी, जिसके बाद नवादा के रहने वाले एक ऑटो मैकेनिक अवधेश कुमार ने टिड्डियों को भगाने के लिए एक अनोखा आविष्कार किया है, जिसका नाम उन्होंने टिड्डी रक्षक फसल रक्षक रखा है। इस आविष्कार की मदद से तेज ध्वनि उत्पन्न करने के कारण टिड्डियों को भगाने का काम किया जा सकता है। अधवारा समूह की नदियों का जल स्तर उफान पर। उत्तर बिहार के साथ साथ नेपाल के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने संभावित बाढ़ को और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश ने नदियों का जल स्तर लाल निशान से ऊपर कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में अधवारा समूह की नदियों में तूफान की वजह से कई जिलों में यह परेशानी देखने को मिल रही है। दरभंगा और मधुबनी जिले के कई जगह पर हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं, क्योंकि इन जिलों में पानी निचले इलाकों में फैलने लगा है, जबकि दरभंगा के गौराबौराम प्रखंड के कई इलाकों में पानी भी घुस गया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वीआईपी ने शुरू किया डिजिटल अभियान। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, वह चुनाव को ध्यान में रखते हुए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने डिजिटल अभियान की शुरुआत कर दी है। एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान मुकेश सहनी ने बताया कि कोविड 19 के दौरान चुनावी रैलियां नहीं होंगी, इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से डिजिटल रैलियों का आगाज किया जा रहा है। हम अपनी आवाज अब फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे और घर घर पार्टी का विजन पहुंचाएंगे। रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ने जगदानंद सिंह से की मुलाकात। बीते दिन राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर से चहलकदमी देखने को मिली, जब रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ने राजद के जगदानंद सिंह से मुलाकात की। वहीं रालोसपा ने बीते दिन 3 सदस्य कमेटी का गठन किया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी, राजेश यादव और वीरेंद्र कुशवाहा का नाम शामिल था। हालांकि मुलाकात के बाद भूदेव चौधरी ने कहा कि चाय पीने आए थे और चाय में मिठास है, आज का यह कार्यक्रम चाय का था, महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। राजद के 24वें स्थापना दिवस पर पूरे पटना में जारी हुआ अनोखा पोस्टर। बीते दिन राजद ने अपना 24वां स्थापना दिवस मनाया। हालांकि स्थापना दिवस के पहले ही पटना की सड़कों पर एक अनोखा पोस्टर देखने को मिला। पोस्टर में राजद का नया नामांकन भी देखा। राष्ट्रीय जनता दल की जगह राष्ट्रीय जालसाज दल पोस्टर पर लिखा गया था। साथ ही यह भी लिखा गया कि जालसाजी के 24 साल होने पर बधाई। पोस्टर में तेजस्वी यादव का नाम में फेलस्वी यादव लिखा गया है। साथ ही यह भी लिखा गया है कि धन कुबेर के 24 संपत्ति का उद्भेदन, यह तो अभी बस झांकी है, अभी फिल्म बाकी है। रामविलास पासवान के बचपन की तस्वीर शेयर कर चिराग पासवान ने किया उन्हें विश। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का जन्म बीते दिन था, जहां पर उनके बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट करके रामविलास पासवान के साथ अपने बचपन की एक तस्वीर को शेयर किया है और नीचे लिखा हैप्पी बर्थडे पापा। हालांकि रामविलास पासवान ने पहले भी इस बात की घोषणा कर रखी थी कि वो इस बार अपना जन्मदिन नहीं बनाएंगे। उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी जन्मदिन नहीं बनाने का आग्रह कर दिया था, क्योंकि गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के बलिदान के बाद उन्हें सम्मान देते हुए रामविलास पासवान ने यह फैसला लिया था। पटना में दुकानों पर पहुंची जिला प्रशासन की टीम। पटना में कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम दुकानों की जांच पड़ताल करने में जुट गई है, जिसके तहत जिलाधिकारी कुमार रवि ने कोविड 19 के गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्ती से पेश आने का फैसला सुनाया है। जिला प्रशासन इसके तहत सभी दुकानों की तलाशी ले रही है। जो भी दुकानदार मास्क और सैनिटाइजर के अलावा 2 गज की दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने का फैसला सुनाया गया है। गलवान घाटी पर जान गंवाने वाले अमन कुमार की पत्नी को बिहार सरकार ने दी नौकरी। गलवान घाटी पर देश के नाम पर बलिदान देने वाले अमन कुमार की पत्नी को बिहार सरकार की तरफ से नौकरी मुहैया करवा दी गई है। खबरों की माने तो मोहिद्दीन नगर के सुल्तानपुर पूर्व निवासी अमन कुमार की पत्नी मीनू कुमारी को राज्य सरकार ने निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नौकरी दे दी है, जिसके तहत पत्र भी जिलाधिकारी समस्तीपुर ने जारी कर दी है। श्रम संसाधन विभाग ने की ऑनलाइन रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू। श्रम संसाधन विभाग ने बिहार में ऑनलाइन रोजगार मुहैया करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत अब हर दिन 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा, जिसका निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जारी कर दिया गया है। बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है जब ऑनलाइन माध्यम से लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, राज्य में सितंबर तक 2 दर्जन से अधिक जॉब फेयर लगाए जाने की बात भी कही गई है। अब इस दौरान ग्रामीण इलाके के सड़कों का मेंटेनेंस करने की बात पर भी जोर दिया गया है। सीएम आवास पर तैनात सभी लोगों के बड़े पैमाने पर कोविड 19 की करवाई जा रही है जांच। बीते दिन विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के कोविड 19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद सीएम आवास पर बड़े पैमाने पर कोविड 19 की जांच करवाई जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, मगर अब उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के आवास से 47 लोगों का सैंपल कलेक्ट किया गया है। इसके साथ ही बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के ऑफिस से 44 लोगों का सैंपल भी लिया गया है। हालांकि इन दोनों नेताओं की रिपोर्ट भी नेगेटिव बताई गई है।
रोजगार देना सरकार की है प्राथमिकता, जिसकी जानकारी सचिव सूचना एवं जनसंपर्क अनुपम कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दी है और बताया है कि कोविड 19 की वर्तमान स्थिति को लेकर सरकार द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कोविड 19 से बचाव के प्रति लोगों को सतर्क भी किया जा रहा है। जागरूकता मुहिम के तहत मास्क का प्रयोग जरूर करें, नियमित अंतराल पर हैंड वॉश तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रेरित भी लोगों को जरूर करें। इसके साथ ही प्रवासियों को रोजगार सृजन करवाने के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता है और बंद के दौरान अभी 4,78,614 योजनाओं के अंतर्गत लगभग 9,71,69,037 से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। राजद के पोस्टर पर तेज प्रताप सिंह को नहीं मिली जगह। राजद के पोस्टर पर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी तो दिखे, मगर तेज प्रताप यादव की तस्वीर दिखाई नहीं दी। राजद के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर तेज प्रताप यादव भले ही साइकिल चलाकर अपने भाई के साथ पहुंचे हो, लेकिन पार्टी के आयोजित कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद सवाल उठने पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि तेज प्रताप यादव की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वह कार्यक्रम में शामिल हुए बगैर वापस लौट गए हैं। सिर्फ कार्यक्रम ही नहीं बल्कि पार्टी कार्यालय में लगाए गए पोस्टर में भी तेज प्रताप यादव गायब थे। स्थापना दिवस के मौके पर लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर कही अहम बात। राजद ने अपने 24वें स्थापना दिवस के मौके पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट करके राजद के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का संदेश इशारों इशारों में दे दिया है। इसके तहत उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि राष्ट्रीय जनता दल के झंडे को आप कार्यकर्ता थामे हैं, उसमें समग्र और समता मूलक विकास के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का समय आ गया है। समाज को तोड़ने वाले हम जोड़ने वालों से कभी मजबूत नहीं हो सकते हैं और जन जन को जगाए गले लगाइए और अपना बनाइए। राजद और रालोसपा के बीच चाय पर हुई चर्चा के बाद अकेले पड़ते दिखे मांझी। राजद और रालोसपा की बढ़ रही नजदीकियों के कारण अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हम प्रमुख जीतन राम मांझी, क्योंकि बीते दिन रालोसपा नेता और राजद नेता के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। जगदानंद सिंह से मुलाकात के बाद भूदेव चौधरी ने भी बाहर निकलकर महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने की बात कही है, जिसके बाद अगर जीतन राम मांझी अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर अड़े रहते हैं तो उन्हें अकेले ही यह सब कुछ झेलना पड़ सकता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सचिन तेंदुलकर ने अपने 3-3 गुरुओं को किया याद। बीते दिन गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अपने गुरुओं को याद किया है, जिनका जिक्र करते हुए उन्होंने अपने तीनों गुरुओं का नाम अपने फैंस को बताया है, जिसमें उन्होंने जिंदगी काफी ज्यादा प्रभाव डाला है। जिसमें उन्होंने बताया कि जब भी क्रिकेट बैट को उठाते हैं तो उन्हें 3 लोग जरूर याद आते हैं, जिनकी वजह से वो अपनी जिंदगी में ये सब कुछ हासिल कर पाए हैं और उनके पास जो मौजूद है, जिसमें उन्होंने अजीत तेंदुलकर, उनके बड़े भाई कोच रमाकांत अचरेकर और फिर आखिर में उनके पिता का नाम लिया और आगे कहा कि मेरे पिता ही थे जिन्होंने मेरी जिंदगी में अहम पाठ सिखाया है। अमिताभ बच्चन ने की अपने अंदाज में सभी लोगों से मास्क पहनने की अपील। कोविड 19 के खिलाफ कई बॉलीवुड स्टार लगातार सभी लोगों से अपने अपने अंदाज में घर में रहने की अपील कर रहे हैं। वहीं इसी बीच बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी अपने अनोखे अंदाज में लोगों से मास्क पहनने की अपील की है, जिसके तहत उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है कि कमला के कानों पर, विमला के कानों पर, शर्मा के कानों पर, मिश्रा के कानों पर, छुट्टे भैया के कानों पर, बाहुबली के कानों पर, रायपुर के रोमियो के, जबलपुर के जूलियट के कान पर, पड़ोसी के मामा, मौसी के चाचा और ताई के भतीजे और भाई के, नाई हलवाई के, सबके कानों पर एक जिम्मेदारी है और वह सब जब भी घर से बाहर जा रहे हैं तो उसे बखूबी निभा रहे, फिर आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? जनहित में जारी कानों पर जिम्मेदारी, देवी और सज्जनों, ख्वातीनों, हजरात, जिम्मेदारी कानों की अपनी सुन लीजिए, बात सुन लेंगे यह बात तो हमारी लाज बन जाएगी, नहीं तो कमला विमला हम का दौड़ दौड़ कर फटकाएंगी। इंस्टाग्राम के माध्यम से टिकटॉक जैसा वीडियो बनाना हुआ आसान। टिकटॉक के जाने के बाद टिकटॉक के विकल्प के तौर पर कई चीजें शुरू की गई है। इसी क्रम में फोटो और वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग सर्विस इंस्टाग्राम ने भी नए फीचर को लॉन्च कर दिया है। इस फीचर की मदद से यूजर वीडियो और टिकटॉक की तरह शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। कंपनी ने पिछले हफ्ते बताया था कि इसकी टेस्टिंग फ्रांस और जर्मनी में हो रही है, मगर एक नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इसे इंडियन यूजर के लिए भी उपलब्ध कराया गया है। टिकटॉक की तरह ही इस पर यूजर वीडियो क्रिएट कर सकेंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सुरेश कुमार, सौरभ कुमार, सूरज सिंह, चंदेश्वर कुमार, प्रभात यादव, नीतीश सिंह, ऋतु कुमारी, रोहिणी सिंह, पूजा कुमारी, काजल कुमारी, आलोक कुमार, पीयूष सत्यम, विकी कुमार, सनी कुमार, प्रवीण सिंह, धर्मेंद्र कुमार, राजकुमार सिंह, राजा बाबू, ऑफिशियल मृणाल। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम
कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार महागठबंधन के नेता के तौर पर किसका चयन किया जाना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।